पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा देवास पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर नगर निगम सभापति रवि जैन भी पहुंचे, जहां उन्होंने महाप्रबंधक को एक स्मरण पत्र सौंपा। सभापति ने बताया कि वार्ड क्रमांक 27 उज्जैन रोड ब्रिज से लेकर केला देवी ब्रिज के करीब रेलवे पटरी के पास लगे हुए नाले के चलते आसपास के रहवासियों को परेशानी होती है। बैकवाटर के चलते करीब 30,000 रहवासी से प्रभावित होते हैं। पूर्व में कलेक्टर और आयुक्त द्वारा भी स्मरण पत्र भेजा गया था, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही 5 मेमो जो रतलाम से उज्जैन और नागदा से उज्जैन तक आती है, महाप्रबंधक से मांग है कि मेमो उज्जैन के साथ देवास व इंदौर तक आए और इंदौर से उज्जैन जाए, क्योंकि अभी तक वह उज्जैन तक ही आती है। पूरे देश विदेश से महाकाल लोक के दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं, वह देवास माता टेकरी पर भी दर्शन कर सकें। इस माध्यम से यहाँ पर आवागमन बढ़ेगा, जिसको लेकर यहाँ पर स्मरण पत्र सौंपा गया है। इसके साथ ही ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए भी चर्चा की गई है। महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदौर उज्जैन रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में देवास रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। सीएस के पहले इस क्षेत्र में और कई बड़े काम करने का प्रयास किया जाएगा। महाप्रबंधक ने कहा, देवास रेलवे स्टेशन के दूसरे हिस्से की ओर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास किया जाएगा, ताकि वहां से भी आवागमन सुविधाजनक हो सके। सर, अमृत संचय अभियान के अंतर्गत स्टेशन की एक ओर तो विकास हो गया है, दूसरी तरफ क्या कब होगा सर? दूसरी तरफ का भी करेंगे आगे चल के, लोगों को आने दीजिए, बढ़ाएंगे। और सर, अत्याधुनिक दौर में अब देवास मुक्सी जो रूट है अभी डबलिंग नहीं हुई है सर। कौन से रूट? देवास मुक्सी की सर। यहाँ से जब देवास मुक्सी का ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसको प्रोजेक्ट करेंगे, डीपीआर बनाएंगे। ट्रैफिक बढ़ जाएगा कुछ देवास में, कुछ और नया कुछ नया स्टेशन बन रहा है, देखिए बहुत बढ़िया स्टेशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ पर अभी नहीं, गाड़ियों का भी देखिए, एक तो अभी आपकी डबलिंग तो अभी हुई है उज्जैन इंदौर, आगे और देखिए क्या करते, सिंहस्थ के आसपास कुछ काम और करेंगे।